अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें हैसम एकेडमी, और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अच्छा बच्चों, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ जो कि है रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या चीज़ है बच्चों? वेव्स को अगर हमें लेबॉरेटरी के अंदर देखना हो, उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी हो, उनकी करेक्टरिस्टिक्स देखनी हो, तो हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं लेबॉरेटरी के अंदर जिसमें हम आसानी से वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उनकी सारी करेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर सकते हैं। उस डिवाइस का नाम है रिपल टैंक। आसान लफ्ज़ों में, अगर हमने लेबॉरेटरी के अंदर वेव्स पैदा करनी है और वेव पैदा करके उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन स्टडी करना है, तो हमें एक डिवाइस बनाई गई है, वो बड़ी यूज़फुल है। उस डिवाइस का नाम है रिपल टैंक। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिपल टैंक? रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस जो किस काम आती है? यूज़ टू प्रोड्यूस वेव्स, जिसका काम वेव्स प्रोड्यूस करना है, और ख़ास तौर पर वाटर वेव्स, पानी के अंदर वेव्स पैदा की जाती हैं। और फिर उसके बाद एंड टू स्टडी देयर करेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसके ज़रिए पानी की जो वेव्स पैदा होंगी उसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है। ये है रिपल टैंक का काम। आइए बढ़ते हैं हम रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक। रिपल टैंक में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे हम रिपल टैंक आसानी से बना सकते हैं, या अगर बना हुआ रिपल टैंक है तो उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है? इसमें सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ रेक्टेंगुलर ट्रे है। जैसा कि हमारे घरों में नॉर्मली नाश्ता खाना सर्व करने के लिए टेबल होता है, उस टेबल का क्या किया जाए, वो लकड़ी का जो तख्ता है ऊपर से उतार लिया जाए और उसकी जगह क्या लगा दिया जाए, गिलास, एक गिलास शीशा जो आम खिड़कियों में यूज़ होता है, इस तरह से शीशा जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके आर पार नज़र आ सके। सो एक रेक्टेंगुलर ट्रे जिसके सरफेस पे हमने गिलास यूज़ किया है, उसके कॉर्नर्स को थोड़ा हमने साइडों से ऊंचा किया हुआ है, नीचे टेबल की तरह आपको उसके पाए नज़र आ रहे होंगे, चार टांगे नज़र आ रही होंगी टेबल की तरह। अब इस टेबल की बुलंदी आलमोस्ट हाफ मीटर, सरफेस से नीचे लेके यहाँ तक हाफ मीटर, इतना सा ऊंचा ज़मीन से इसकी बुलंदी इतनी सी है। ऊपर हमने रेक्टेंगुलर ट्रे रख दी है, शीश काट के उसको, लकड़ी का जो वुड वाला एरिया था वो काट के उसके लिए उसकी जगह शीशा फिट कर दिया, गिलास फिट कर दिया, किनारे उसके हमने साइडों से ऊपर कर दिए। फिर जी उसके बाद हमने एक लैम्प यूज़ किया। लैम्प सिंपल लफ्ज़ों में बल्ब है जो कि किसका मकसद क्या होगा, रोशनी डालना इसके ऊपर। फिर हमने इस रिपल टैंक को थोड़ा थोड़ा शैलोअर वाटर, थोड़े थोड़े पानी से इसे फिल कर दिया। ये पानी से फिल्ड है, शैलोअर वाटर है इसके अंदर, वाटर है शैलोअर, कम गहरा, थोड़ा सा पानी है इसके अंदर भरा है हमने, किनारों तक फुल नहीं, थोड़ा हमने भरा। उसके बाद जी हमारे पास एक वाइब्रेटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर। ये इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर है जो मोटर के साथ कनेक्टेड है, और मोटर के ये स्विच इस तरह से, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल स्विच है जहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इसका कनेक्शन किया हुआ है, और ये इलेक्ट्रिकल मोटर है, इसके साथ वाइब्रेटर लगा हुआ, वाइब्रेटर, ये इसको वाइब्रेटर भी कहते हैं और पैडल भी कहते हैं। जिस तरह से साइकिल का या उसका पैडल होता है, उसका काम क्या होता है, पैडल मारते हो, कश्ती भी देखी होगी आपने पैडल्स वाली, इसी तरह से यहाँ पे पैडल मौजूद है जिसका किनारा बिल्कुल ऐसे इस तरह से जो पानी से टच कर रहा है, नीचे जो वाटर है रिपल टैंक के अंदर पानी जो है, इसका पैडल, ये एक लकड़ी का तख्ता रखा, तख्ते के ऊपर हमने इलेक्ट्रिकल मोटर रखी, इलेक्ट्रिकल मोटर कनेक्शन दे दिए, मोटर के साथ एक पैडल कनेक्टेड है, वाइब्रेटर कनेक्टेड है। जैसे ही मोटर्स का स्विच ऑन करते हैं वो पैडल क्या करता है, पानी के इन पानी के आउट, पानी के इन पानी के आउट, और सीधी वेव फ्रंट ऐसी वेव्स पैदा होती हैं। जैसे हम पानी के
टब में या किसी बाउल के अंदर उंगली मारे तो वेव्स ऐसी सर्कुलर पैदा होती हैं। इसी तरह हमने ऐसा वाइब्रेटर लगाया है, हाथ की तरह का लंबा सा वाइब्रेटर नीचे तख्ते के लगा हुआ है, वो पानी से टच कर रहा है, लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे वो क्या करेगा, पानी के इन जाएगा आउट जाएगा, इन जाएगा आउट जाएगा, तो पानी की सतह थरथराना शुरू कर देगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, और नतीजा पानी की सतह पे ऐसी वेव्स नजर आएंगी। इन्हें वेव फ्रंट्स कहते हैं, वेव फ्रंट्स। और ये वेव फ्रंट्स कैसे हैं, स्ट्रेट, सीधे, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट वेव फ्रंट्स पैदा हो जाएंगे। अब आपको नजर आ रहा होगा ऊपर लैंप का मकसद क्या है, ऊपर जो लगाया हुआ बल्ब है उसका मकसद ये है कि क्या किया जा सके, ये जो वेव्स पैदा हुई हैं रिपल टैंक के अंदर, इन रिपल टैंक के अंदर पैदा होने वाली वेव्स को नीचे विजुलाइज किया जा सके। नीचे एक सफ़ेद कपड़ा है, वाइट शीट है या स्क्रीन है, स्क्रीन यूज़ की है, सारा कुछ साइडों पे, कमरे में अंधेरा है, लेबॉर्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये लैंप ऑन है, और लैंप ऑन होने पे रोशनी किस पे पड़ी है, रिपल टैंक के पानी पे। पानी में क्या किया हमने, जैसे ही इलेक्ट्रिकल मोटर ऑन की, वाइब्रेटर ऑन किया, पैडल मूव करना शुरू कर देगा, पानी के सतह पे ऐसी वेव्स पैदा होती हुई इस किनारे से उस किनारे की तरफ जाएंगी। ये रोशनी का लैंप क्या करेगा, जब इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी, नीचे क्योंकि गिलास था, शीशा था, वो रोशनी को जाने देगा, गुजरने देगा, जब रोशनी नीचे गुजरेगी तो बिल्कुल जैसी वेव्स ऊपर पैदा हुई हैं नीचे उनका इमेज बन जाएगा, क्योंकि साइडों पे सारा डार्क एरिया है, बिल्कुल अंधेरा है। तो ये इसी तरह से है, जैसे हम धूप में खड़े हों तो हमारा साया बनता है, इसी तरह से ऊपर जो सारी वेव्स हैं उनका इमेज नीचे स्क्रीन के ऊपर, वाइट शीट के ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। ये रिपल टैंक का काम है, क्या करना, वाटर वेव्स प्रोड्यूस करना। किस तरह से, देख लीजिए हमें रिपल टैंक कैसे यूज़ किया है। इसके ऊपर हमने एक वुडन तख्ता रखा है, वुड का, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिकल मोटर अटैच की हुई है, इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ हमने वाइब्रेटर लगाया हुआ नीचे, इधर इधर लगा हुआ वाइब्रेटर, यहाँ पे पैडल लगा है जो ऐसे पानी के साथ अभी टच करे, जैसे मोटर ऑन करे पानी के इन आउट होता है और वेव्स पैदा होती हैं स्ट्रेट स्ट्रेट, इन्हें वेव फ्रंट्स कहते हैं, स्ट्रेट वेव फ्रंट्स पैदा होंगी। जब ये स्ट्रेट वेव फ्रंट्स पैदा होंगी, रोशनी वेव्स को ऊपर पड़ेगी और रोशनी क्या करेगी, बिल्कुल इनका इमेज कहाँ जाके, क्योंकि नीचे गिलास था, नीचे जाके इमेज बन जाएगा। और फिर हम ये इमेज हासिल करने के बाद वेव्स की क्या जान सकते हैं, करेक्टरिस्टिक जान सकते हैं। हम यही तस्वीर चाहते थे इस तस्वीर के अंदर बेटे, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये साइड दरमियान में जगह ब्राइट 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 ब्राइट, हर ब्राइट के साइड पे क्या है, डार्क एरियाज डार्क एरियाज डार्क एरियाज। तो बेटे याद रहे, बच्चों याद रहे कि ये जो ब्राइट एरिया है, जो ब्राइट एरिया है वो क्रस्ट को शो करता है, और ये जो डार्क एरिया है, ये डार्क लाइन जो नज़र आ रही है, ये ट्रफ को शो करती है। वेव के पास दो ही चीज़ें होती हैं, क्रस्ट और ट्रफ। ये जो ब्राइट एरिया दरमियान में नज़र आ रहा है दैट इज़ क्रस्ट, और जो डार्क एरिया है दैट इज़ ट्रफ ऑफ द वेव। तो वेव कंस्टिट्यूट हो गई, बन गई क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ मिलते जाते हैं और क्या बनती चली जाती है, वेव और स्टेट पैरेलल वेव। अच्छा बच्चों, आपको अब नज़र आ रहे हैं। हमने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव स्टडी करनी है, जो हमने कंस्ट्रक्शन रिपल टैंक की देख ली। अब हम बढ़ते हैं आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स की तरफ। तो हम वन बाय वन तीनों करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे, ऐसे इरेज कर देते हैं। तो तीन करेक्टरिस्टिक कौन सी हैं जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, दूसरी करेक्टरिस्टिक है वेव्स की रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, और तीसरी जो करेक्टरिस्टिक है उसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। सो करेक्टरिस्टिक स्टडी करने लगे हैं। जी, तीन करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। पहली है जी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, दूसरी करेक्टरिस्टिक है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, और तीसरी करेक्टरिस्टिक है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो आइए स्टेप बाय स्टेप पहली करेक्टरिस्टिक से स्टार्ट लेते हैं।
रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है? अभी हमने वेव्स प्रोड्यूस करना सीखा, वेव्स किस तरह की, हमने स्ट्रेट वेव्स, सीधी वेव्स प्रोड्यूस की, ये वेव्स पैदा होती हुई आ रही है। अगर बच्चों इन वेव्स के रास्ते में एक बैरियर रख दिया जाए, रिफ्लेक्शन स्टडी करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन वेव्स के रास्ते में अगर क्या करें हम, कोई बैरियर रख दें, कोई रुकावट रख दें और बिल्कुल सामने रखें, तो क्या होगा, जब ये वेव्स उस बैरियर से, उस रुकावट से टकराएंगी तो क्या करेंगी, जैसे गई हैं वैसी की वैसी पलट आएंगी। ये वेव्स जब इससे टकराएंगी तो जाके टकराने के बाद जिस तरह से ये टकराई थी, जिस जाविये से टकराई थी, उसी जाविये से पलट आएंगी। लेकिन अगर बैरियर थोड़ा सा एंगल के साथ रखा जाए, यही बैरियर, यही रुकावट अब क्या की जाए, थोड़े से एंगल से रखी जाए, थोड़ा सा तिरछा करके इस बैरियर को रखा जाए, तो फिर क्या होगा, फर्ज कीजिए ये वेव्स पीछे से आ रही हैं, मैंने बैरियर थोड़ा सा बेंड करके रखा है, इस तरह से रखा, अब क्या होगा, अब रिफ्लेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, अब रिफ्लेक्शन क्या होगी, वेव्स की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, आइए देखते हैं। ये वेव्स ट्रैवल करती हुई आ रही हैं, याद रहे बच्चों ये वेव फ्रंट्स होती हैं, जैसी हमें वेव्स नज़र आ रही हैं, और इनकी प्रापोगेशन, इनका सफ़र किस तरफ है, हमें नज़र आ रहा है राइट साइड पे, वेव्स फ्रंट है सीधी और इनकी प्रापोगेशन राइट साइड पे, इसका मतलब वेव्स राइट साइड पे जा रही है। अब बच्चों जब ये वेव्स जाके टकराएंगी किसके साथ, इसका नाम है बैरियर, रुकावट। अब अगर मैं चेक करूं कि किस जाविये से टकराई हैं, तो वो जाविया चेक करने के लिए हमेशा हमें क्या ड्रॉ करना होता है, एक नॉर्मल, नॉर्मल एक ऐसी सीधी लाइन है जो 90 के जाविये पे होती है। ये स्टेट एक बैरियर था, इस पर मैंने 90 की लाइन गिराई, अब जिस जाविये से आ रही है, बेटे जाविया वेव फ्रंट्स का नहीं होगा, इनका जाविया नहीं होगा, जाविया ये जो प्रापोगेशन है, मैंने आपसे पहले जिक्र किया प्रापोगेशन, प्रापोगेशन सफर, इस तरफ सफर कर रही, इसका जाविया किसके साथ चेक करूंगा, नॉर्मल के साथ, तो जाविया ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन जिसका जाविया मुझे पता है 90 है, अब 90 के साथ मैं कंपेयर करूंगा कि जो वेव आई है, ये है वेव जो आई है, ये वेव, वेव ये उसकी वेव फ्रंट है, आई किस जाविये से है, जा किस तरफ रही है, राइट साइड पे, ये उसकी वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट जहाँ आके टकराई तो मुझे नॉर्मल के साथ उसका जाविया मिल गया, ये नॉर्मल के साथ उस वेव का जाविया मिल गया, ये जाविया क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा जब ये वेव टकराएगी, टकराने के बाद क्या होना है, इस मीडियम को क्रॉस नहीं कर सकती, इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, फर्ज कीजिए बैरियर यही था डस्टर, क्या होगा इससे टकरा के इससे गुजर नहीं सकती पानी की वेव्स, क्या करेंगी, जिस जाविये से टकराई हैं उसी जाविये से पलट के वापस आ जाएंगे। कैसे, अब क्या होगा, अब तो आगे बैरियर तिरछा है तो इस तरह से तो नहीं आ सकती, नतीजा क्या निकलेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की तारीफ क्या है, व्हेन वेव फ्रॉम वन मीडियम, जब वेव्स एक मीडियम से ट्रैवल करें और ट्रैवल करती हुई क्या करें, दूसरे मीडियम के ऊपर जाके टकराएं, व्हेन वेव्स फ्रॉम वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम के सरफेस पे जाके हिट करें, टकराएं, और नतीजा क्या निकले, रिफ्लेक्ट बैक और वापस मुड़ आएं, किस में, इन द फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाएं, पानी से गई थी, वाटर से, वाटर एक मीडियम, बैरियर दूसरा मीडियम, पानी से ट्रैवल करती हुई उस लकड़ी पे, उस बैरियर पे टकराई और टकरा के फिर पानी में वापस आ गई, वो वेव्स दोबारा वापस आ गई, और इसमें हुआ क्या, जिस जाविये से वेव्स जाएंगी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस जाविये से वेव्स जाएंगी उसी जाविये से आपको वेव्स पलटी हुई मिलेंगी भी। आइए देखते हैं किस जाविये से मिलेंगी, अगली डायग्राम में अगर मैं रिफ्लेक्शन चेक करूं, तो अगर मैं इन पीछे वाली वेव्स को हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं,
दूसरी डायग्राम में बना लेता हूँ आपको रिफ्लेक्शन समझाने के लिए। इंसिडेंट था, ये इस तरह से बैरियर पड़ा हुआ था, टकराने के बाद क्या होगा वेव्स के साथ वो देखते हैं। वेव्स क्या करेंगी, क्या लगता है आपको, क्या ख्याल है, जिस जाविये से टकराएंगी अब वेव्स का रुख किस तरफ हो जाएगा, वेव्स किस तरफ जाएंगी, अब इस तरफ वेव्स का रुख तो ये हो गया। अब मैं तो कैसे चेक करूंगा, अब जाविया कैसे चेक करूंगा, मैंने तो फिर से क्या ड्रॉ करना है, एक नॉर्मल लाइन, नॉर्मल 90 की लाइन जो मुझे क्या दिया करती है, एंगल चेक करने के लिए, मेरे लिए सूदमंद है, फ़ायदेमंद है, हम इससे एंगल चेक कर सकते हैं। अब वेव्स का रुख क्या होगा, यही वेव किस तरफ जाएंगी, अब वेव फ्रंट्स की सिमत किस तरफ हो जाएगी, वेव फ्रंट्स किस तरफ हो जाएंगे, ये वेव फ्रंट्स हो गए, ये वेव फ्रंट हो गए। पहले वेव फ्रंट क्या था, ये था, ये था, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस था, अब वेव फ्रंट का रुख क्या हो गया, क्या ऐसा नहीं होगा, वेव्स जब टकराएंगी तो इस तरफ चल पड़ेंगी, ऐसे टकराएंगी इस तरफ चल पड़ेंगी, तो रुख क्या हो गया उनका, वेव फ्रंट्स का रुख क्या हो गया, प्रापोगेशन का रुख क्या हो गया इस तरफ, तो यहाँ से क्या का चेक कर ले, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था नॉर्मल के साथ, अब नॉर्मल के साथ जब रेज, जब वेव्स मुड़ गई हैं तब जाविया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो क्या सीन है, रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जिस जाविये से वेव्स की प्रापोगेशन जाके टकराती है उसी जाविये से क्या होता है जी, प्रापोगेट करती हुई वापस उसी में आ जाती है। एंगल 45 से आई थी, 45 से मिलेंगी, 30 के जाविये से आएंगी, 30 के जाविये से जाएंगी, 45 के एंगल से आई, 45 के एंगल से जाएंगी। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, और किन वेव्स की बात हो रही है, वाटर वेव्स। अच्छा बच्चों, ये था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब आइए देखते हैं डीप और शैलोअर वाटर में स्पीड ऑफ वेव्स कैसी होती हैं, वाटर वेव्स की स्पीड कैसी होती है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, वो भी देखते हैं। आप कायदा से हेडिंग दे सकते हैं, स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, आइए चेक करते हैं, जो हमने रिपल टैंक में प्रोड्यूस की हैं, फर्ज कीजिए। ये करना क्या बच्चों, स्विमिंग पूल आप लोगों ने देखा होगा, स्विमिंग पूल में, एक ही स्विमिंग पूल में अगर आप देखिए तो एक साइड कम गहरी है, आगे चलते जाएं तो पानी गहरा होता चला जाता है, स्विमिंग पूल गहरा होता चला जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। इसी तरह से हम एक क्या लेंगे, एक बाउल ले लें, एक टब ले लें, एक ऐसा बर्तन ले लें जिसमें क्या हो, एक तरफ गहराई और एक तरफ कम गहराई, ठीक है, जैसे कि इस तरफ गहराई है, इस तरफ गहरी चीज़ है, इस तरफ बुलंदी है, इस तरह से हमने रखना है, और गहरी जो जिस तरफ से होगी पानी से भरना है, इसे पानी से जब भरेंगे तो यहाँ पे आपको पानी ज़्यादा ब्लू नज़र आएगा, ज़्यादा ब्लू मतलब यहाँ गहराई ज़्यादा है वाटर की। फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको ये शो करवा रहा हूँ, इस तरफ रखा है हमने डीप वाटर, और इस तरफ है, यहाँ पे हमने इनके दरमियान लाइन लगाई है, बाउंड्री है, डीप और किसके दरमियान बाउंड्री है, बाउंड्री लगा दी है किस किस के दरमियान, डीप और शैलोअर वाटर, ये शैलोअर है, शैलोअर मतलब कम गहरा, और ये क्या है जी, ज़्यादा गहरा पानी है, डीप वाटर है, ये शैलोअर वाटर है, कम गहरा पानी। करना ये है हमें यहाँ पे वाइब्रेटर मारना है, यहाँ पे वाइब्रेटर यूज़ करना है, जब वाइब्रेटर इस सतह पे टकराएगा, यहाँ टकराएगा तो क्या नमूदार होंगी, क्या प्रोड्यूस होंगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और देखने में ये आता है कि डीप वाटर जो है, जो गहरा पानी है, उसमें वेव्स की तादाद का तो इलम नहीं, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उन वेव्स का साइज़ क्या होता है, बड़ा। समंदर के अंदर आप देखें, जब गहरे पानी में जाके तो वहाँ पे बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं, बड़ी बड़ी मैसिव वेव्स पैदा होती हैं, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, फिर बड़ी वेव्स तो वेवलेंथ बड़ी मैसिव, और इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ वाटर क्या है, ग्रेटर है, स्पीड ऑफ वाटर ग्रेटर है, लेकिन जैसे ही ये पानी, ये जैसे ही ये वेव्स
गहरे पानी से, स्विमिंग पूल की गहरी जगह से कम गहरे की तरफ जाएंगी तो इनकी रफ्तार स्लो हो जाएगी। आप करके भी देख सकते हैं, घर में एक बाउल लीजिए, उस बाउल में पहले थोड़ा सा पानी डाल के बाउल को हलाइए, पानी स्लो मूव करेगा, फिर उसी बाउल को भर के हलाइए, आपको पानी की रफ्तार तेज़ नज़र आएगी। इसका मतलब जब पानी गहरा ज़्यादा हो जाता है तो वेव्स की स्पीड बढ़ जाती है, वेव्स की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह जब ज़्यादा गहरे पानी से वेव्स कम गहरे पानी में जाएंगी तो क्या होगा, उनकी वेव्स की स्पीड पे क्या असर पड़ेगा, वेव्स की स्पीड कम हो जाएगी, मतलब उनकी वेव लेंथ भी कम हो जाएगी, वेव लेंथ शॉर्टर हो जाएगी, वेव लेंथ शॉर्टर हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किसके साथ है, इस वाइब्रेटर के साथ है, इस जनरेटर के साथ है जो वेव्स जनरेट कर रहा है। जितनी ये फ्रीक्वेंसी देगा उतनी ही होगी, लेकिन वेव लेंथ शॉर्ट हो गई और स्पीड भी क्या होगी, स्लो, स्लो स्पीड। यहाँ पे वेव्स की स्पीड स्लो है शैलोअर वाटर में, और यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव्स, स्पीड ऑफ वाटर वेव्स ग्रेटर है डीप वाटर में। ये है किसका ताल्लुक, डीप और शैलोअर वाटर में स्पीड ऑफ वाटर वेव्स का रिलेशन देख लिया हमने, क्या डिफरेंस है और ये कैसे है कि डीप वाटर में स्ट्रेस ऊपर से ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, और नतीजा कि वहाँ पे पानी की वेव्स की रफ्तार भी ज़्यादा होती है। अच्छा बच्चों, दूसरी जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम। व्हेन वेव्स फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू अनदर मीडियम एट सम एंगल, जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं, एक मीडियम छोड़ के दूसरे मीडियम में चली जाती हैं तो किसी जाविये से, तो क्या होता है, उनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज हो जाती है, उनकी सिमत, जिस सिमत में वो ट्रैवल कर रही थी वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस अमल को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। आइए देखते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक साइड पे हम डीप वाटर लेंगे, डीप वाटर, इस डीप वाटर में वेव्स पैदा करेंगे, स्टेट वेव्स, स्टेट जनरेटर होगा मेरे हाथ की तरह, वैसे पानी में थरथराएगा और नतीजा स्टेट वेव्स पैदा होंगे। और दूसरी तरफ क्या है, शैलोअर वाटर, कम गहरा पानी, ज्यादा गहरा पानी ब्लू दिख रहा होगा ज्यादा, कम गहरा पानी कम ब्लू है। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वेव्स पैदा करता हूँ, वेव्स की जो वेव फ्रंट्स हैं, वेव्स की जो हमें दिखाई देने वाली वेव फ्रंट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, सीधी नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो डीप वाटर है, डीप वाटर जो है ये एक मीडियम है और शैलोअर वाटर दूसरा मीडियम है, डीप वाटर फर्स्ट मीडियम और मीडियम जिसमें पानी की वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, पानी ज़्यादा गहरा एक मीडियम, कम गहरा दूसरा मीडियम, ये हमारे पास सेकंड मीडियम है जिसमें अब वेव्स एंटर होंगी। फर्स्ट मीडियम को छोड़ के, ये मैंने दरमियान में बैरियर, बैरियर से मुराद बाउंड्री लगा दी है कि ज़्यादा गहरे, कैसे स्विमिंग पूल में होता है तो पता होता है भाई यहाँ से गहरा पानी स्टार्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ कम गहरा पानी है तो बच्चे छोटे वो कम गहरे की तरफ ही तैरते नहाते हैं, ज़्यादा गहरे की तरफ बड़े बच्चे नहा रहे होते हैं। इसी तरह से ये ज़्यादा गहरा पानी है, इसमें वेव्स पैदा की हैं स्टैंडिंग्स, सीधी वेव फ्रंट्स वाली, जब वो ट्रैवल करती हुई क्या करेंगी, ज़्यादा गहरे को छोड़ के कम गहरे में दाखिल होंगी तो इनकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, दो चेंजिंग्स आएंगी, एक तो क्या चेंज आएगा, इनकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, और दूसरा क्या चेंज आएगा, इनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज होगी, इनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज होगी, जिस तरफ ये ट्रैवल कर रही थी, जिस तरफ मूव कर रही थी, अब उस तरफ मूव नहीं कर रही, तो इस अमल को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हों और क्या हो, उनकी क्या चेंज आए, उनके पाथ में चेंज आ जाए, उनके रास्ते में चेंज आ जाए, तो इस अमल को रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहा जाता है। आइए चेक करते हैं किस तरह से। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जिसका जाविया 90 होता है, जहाँ मर्जी और चेक कर दीजिए, जहाँ मर्जी। अच्छा जी, पहले तो बताइए इन वेव्स की डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है, इन वेव्स की डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ये है, ये वेव्स इस तरह जा रही है, लेकिन जब मीडियम शैलोअर में गई तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज हो गया,
डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज हो गया, इनकी प्रापोगेशन चेंज होगी, ये अब इस तरफ जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, पहले ऐसी थी अब इस तरह से हो गई हैं। अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये नॉर्मल लाइन, ये 90 की लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूँ, ये जाविया क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जाविया क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस जाविये से वो क्या हुआ, इनका पाथ चेंज हो गया है, जिस जाविये से वो आई थी, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जाविया, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जाविया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे का जाविया नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल्स आप देख सकते हैं, ऐसे देख लें चाहे तो इसी तरह नोट कर लें। ये जाविया इंसिडेंट का, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वे फ्रंट का भी चेक कर सकते हैं, और ये जाविया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेम तो नहीं है, जब हम देखें कि जिस जाविये से वेव्स आई थी, आके टकराई और दूसरे मीडियम में दाखिल हुई, वो जाविया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिस जाविये से आई थी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एक ऐसा मजहर, एक ऐसा अमल, एक ऐसा फिनामिना जिसके अंदर वेव्स एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई दूसरे मीडियम में दाखिल हुई, डीप वाटर से शैलोअर वाटर में दाखिल हुई और उनका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज हो गया, ना सिर्फ इनकी वेवलेंथ चेंज हो गई है, पहले वेवलेंथ ज़्यादा थी, अब वेवलेंथ कम हो गई है, पहले वेवलेंथ ज़्यादा थी, अब वेवलेंथ कम हो गई, जैसे पीछे भी हमने पढ़ा, डीप वाटर में वेवलेंथ ज़्यादा होती है, शैलोअर वाटर में वेवलेंथ शॉर्टर होती है, कम होती है, डीप वाटर में स्पीड ज़्यादा होती है, शैलोअर वाटर में स्पीड कम होती है। तो ये है ऐसा अमल, क्या डेफिनेशन है फिर रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की, व्हेन वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू अनदर मीडियम विद सम एंगल, विद सम एंगल, विद सम एंगल, क्या हो, क्या जी, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस, इनका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, इनकी मूवमेंट, इनकी मोशन चेंज हो गई है, इस अमल को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। आइए जी बढ़ते हैं अब हम तीसरे इसकी करेक्टरिस्टिक की तरफ, और उस करेक्टरिस्टिक का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में क्या करेंगे हम, हम फिर से रिपल टैंक के अंदर स्ट्रेट वेव्स, सीधी वेव फ्रंट्स वाली वेव्स पैदा करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट वेव्स पैदा करेंगे। क्या करेंगे अब हम, आगे ऑब्स्टेकल यूज करेंगे, दो ऑब्स्टेकल, दो रुकावटें यूज करें कुछ इस तरह से कि उन रुकावटों में थोड़ा सा गैप रहने दें, दो ऑब्स्टेकल इस तरह से यूज करें, किन ऑब्स्टेकल्स के अंदर थोड़ा सा क्या रहे, डिफरेंस रहे। अब क्या होगा, जब ये वेव्स इन ऑब्स्टेकल्स में जो जगह बची है, इस जगह को कहते हैं स्लिट, गैप, स्लिट, खाली जगह, शॉर्टर गैप, बड़ा स्मॉल सा गैप, स्मॉल सा गैप जो है, वहाँ से जब ये वेव्स गुजरना चाहेंगी तो क्या होगा, ये वेव्स इसके कॉर्नर के साथ मुड़ जाएंगे, इस अमल को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। कौन सा अमल, एक ऐसा अमल जिसमें वेव्स क्या करें, मीडियम नहीं चेंज हुआ, वेव्स, वाटर वेव्स जब क्या कहिएगा, किसी सुराख में से, किसी स्लिट में से, किसी गैप में से गुजरना चाहें, याद रखिएगा ये गैप कैसा होना चाहिए, ये स्लिट कैसी होनी चाहिए, स्लिट की जो, स्लिट का जो साइज़ है वो इसकी वेव्स की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जितनी इनकी वेवलेंथ है उतना ही इसका साइज़ या इससे ज़्यादा, अगर कम साइज़ हुआ तो ये वेव्स इसमें से क्रॉस नहीं कर पाएंगी, मतलब डिफ्रैक्शन का अमल विजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये जो साइज़ है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ स्लिट या गैप ऑफ स्लिट जो है वो कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, विद अकॉर्डेंस, विद अकॉर्डेंस किसके साथ मिलता, अकॉर्डेंस विद अकॉर्डेंस किसके, वेवलेंथ ऑफ वेव्स, वेवलेंथ ऑफ वेव्स की वेवलेंथ के अकॉर्डेंस होना चाहिए, वेवलेंथ जितनी उतना ये गैप, अगर वेवलेंथ क्या हुई, बड़ी हुई, गैप छोटा हुआ तो ये वेव्स इसमें से गुजर नहीं सकेगी। क्या डेफिनेशन है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की, जब वेव्स मीडियम से सफ़र करती हुई किसी ऑब्स्टेकल, किसी स्लिट में से गुजरें और गुजर के क्या करें, उसके कॉर्नर्स की तरफ बेंड हो जाएं, उसके कॉर्नर्स की तरफ बेंड हो जाएं, और आपको ये सेमी सर्कल नज़र आ रहे होंगे, सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ, सेमी सर्कुलर शेप बन गई है, हाफ सर्कल नज़र आ रहा होगा, इस अमल को डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। सो क्या डेफिनेशन है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की, क्या है जी, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स,
बेंडिंग या स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स किसके गिर्द मुड़ना या बेंड होना, टूवर्ड्स द शार्प एजिस ऑफ स्लिट्स और ऑब्स्टेकल्स, उस शार्प जो एजिस हैं किसके, ऑब्स्टेकल या स्लिट के, उसकी तरफ मुड़ जाना, कॉर्नर्स की तरफ मुड़ जाना, उस अमल को क्या कहा जाता है, डिफ्रेक्शन ऑफ वेव्स। और अगर हम क्या करें, अगर हम जो स्लिट है, जो आगे स्लिट हम यूज़ कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल यूज़ कर रहे हैं, उसका गैप ही बहुत ज़्यादा है, गैप ही हमने बहुत ज़्यादा रखा है, तो बेंडिंग और स्प्रेडिंग बहुत ही थोड़ी होगी, डिफ्रेक्शन बहुत ही कम विजिबल होगी, बेंडिंग और स्प्रेडिंग कुछ इस तरह से होगी, वेव्स बिल्कुल ऐसे जैसे स्टेट होगी, कोई इनकी सेहत पे असर ही नहीं है, बेंडिंग हुई नहीं है, वो वेव्स आगे चल के बिल्कुल स्टेट सी हो जाएंगी जैसी चली थी इस तरह की। तो इसका मतलब ये गैप शुड बी अकॉर्डेंस विद द वेव लेंथ ऑफ द वेव्स, वेव लेंथ ऑफ द वेव्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्रेक्शन बिल्कुल थोड़ी होगी, बेंडिंग कॉर्नर्स की तरफ बहुत थोड़ी होगी जैसे हमने पिछले देखा, अगर तो स्लिट या ऑब्स्टेकल का जो साइज है उसमें जो गैप है वेव लेंथ के बराबर, वेव्स की वेव लेंथ के बराबर हुआ या उससे ज़्यादा हुआ, तो नतीजा क्या निकलेगा, वेव्स सेमी सर्कल कॉर्नर्स की तरफ मुड़ते हुए सेमी सर्कल बना लेंगी। ऐसा जनरली होता है, अगर आप पानी के तालाब में या पानी के टब में ऐसा करें, ऑब्स्टेकल रखिए, आगे स्लिट थोड़ी सी पैदा कीजिए, रखिए थोड़ी सी स्लिट गैप, जब उसमें से वेव्स गुजरेंगी तो सेमी सर्कुलर शेप बनाती हुई निकलेंगी, उस ये अमल कौन सा है, डिफ्रेक्शन ऑफ वेव्स। क्या डेफिनेशन है, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स टूवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ और शार्प एजिज ऑफ द स्लिट आर ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रेक्शन ऑफ वेव्स। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने रिपल टैंक को तफसीली डिटेल से देखा, रिपल टैंक की डेफिनेशन, रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन, रिपल टैंक की करेक्टरिस्टिक जो हम मुख्तलिफ स्टडी कर सकते हैं यूजिंग रिपल टैंक, और ये सारा कुछ था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। थैंक यू।